साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक स्टडी पे। साथियों बीएड में एडमिशन को लेके बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। साथियों जो सीटें बच चुकी हैं चौथी काउंसलिंग के बाद, अब उन बची हुई सीटों पे स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग होने वाली है। आप सभी स्पॉट काउंसलिंग की मांग कर रहे थे, कुछ अभ्यर्थी जो है पाँचवीं काउंसलिंग की मांग कर रहे थे, लेकिन एलन ने यहाँ पर बदलाव किया है। इस बार ना तो आपका स्पॉट एडमिशन होगा, ना ही आपकी पाँचवीं काउंसलिंग होगी। इस बार नए तरीके से काउंसलिंग होगी और इसको बोला जाएगा स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग। और यह काउंसलिंग कैसे होगी, कब से कब तक होगी, कौन कौन से इसमें भाग ले सकते हैं, सारी प्रक्रिया हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कल हम दिन में लाइव भी आएंगे, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी बातें आपको बतानी है तो वहाँ पे आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे। साथियों आप नोटिस जो देख पा रहे हैं यह तो अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं है, एलुन की वेबसाइट पे अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन कल तक यह एलुन के वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी और कल तक आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से यह नोटिस देखने को मिल जाएगा। इस बार एलुन ने फैसला किया है कि इस पर स्पॉट काउंसलिंग न करा के इस पर स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग कराई जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे उनका मतलब यहाँ पर कंप्लेन था कि स्पॉट के नाम पर कॉलेज उनसे लूट रहा है पैसा, और इसलिए एलुन ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि अब इस बार जो एडमिशन होगा वह होगा स्पेशल सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। अब यह स्पेशल सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग क्या है पहले आइए इसको समझते हैं। देखिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं कि 19/9/2024 यानी कि आज के डेट में इसको जारी किया गया है, हालांकि वेबसाइट पर नहीं है, वेबसाइट के ऊपर भी आपका यह आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इट इज़ टू नोटिफाई फॉर इन्फॉर्मेशन टू ऑल द कंसर्न्ड ऑफिस ऑफ द यूनिवर्सिटी नोडल ऑफिसर एंड बीएड कॉलेजेस डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार, यानी कि सभी को सूचित किया जाता है, चाहे वो आपका किसी भी कॉलेज या डिपार्टमेंट की बात करते हैं, चीज़ें हम आपको बताते चलते हैं। एंड सीईटी बीएड 2024 क्वालिफाइड एंड रजिस्टर्ड कैंडिडेट डेट द स्पेशल सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग एंड एडमिशन राउंड फॉर टू ईयर्स बीएड एंड शिक्षा शास्त्री विल बी द हेल्ड फ्रॉम 21 सितंबर 2024 to 28 सितंबर 2024 एज पर फ्लोइंग शेड्यूल, यानी कि जो आपकी एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी वह 21 से लेकर 28 तक चलने वाली है। यहाँ पे यह कहा गया कि जो क्वालिफाई है यानी कि जो परीक्षा में पास है और जिन्होंने रजिस्टर्ड कैंडिडेट का मतलब जिन्होंने काउंसलिंग किया है केवल उन्हीं के लिए नोटिस है। अब देख सकते हैं जिन्होंने मतलब परीक्षा पास किया है और उसके अलावा जिन्होंने काउंसलिंग किया यानी कि कॉलेज का चॉइस किया था उनके लिए यह सूचना है और कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए सूचना है। देख सकते हैं यहाँ पे शेड्यूल यानी कि स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग होगी इस बार, और यह स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग कैसे होगी कि डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी ऑफ द पोर्टल यानी कि आपकी जो भी वैकेंसी होगी कितनी सीटें बची हुई है, कहाँ पर किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, यह आपकी वेबसाइट के ऊपर 20 सितंबर को जारी हो जाएगा, यानी कि 20 सितंबर को यह पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितनी सीटें खाली हैं, किस कॉलेज के अंदर कितनी सीटें खाली हैं, यह वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज ऑन पोर्टल बाय लॉगिन क्रेडेंशियल मैक्सिमम 3 कॉलेज में भी सिलेक्टेड विद गिवन प्रेफरेंस, हमने आपको कहा था कि अगर दूसरी तरीके से काउंसलिंग होगी तो उसमें बदलाव होना चाहिए, और वहीं यहाँ पर एलुन कह रहा है कि आपको कम से कम 3 कॉलेज वहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे। अभ्यर्थी को क्या करना होगा, फिर से 3 कॉलेज सिलेक्ट करना होगा, ऐसे ध्यान रखिएगा, और यह 21 से 22 तक करना है। हम हर एक प्रोसेस बताएंगे, कोई भी जल्दबाजी में आप कॉलेज सिलेक्ट मत कीजिएगा, एक तो पहले आप लोग कॉलेज सिलेक्ट करके गलती कर चुके हैं जिसके कारण एडमिशन नहीं हुआ है, तो 21 से 22 तक आप क्या कर सकते हैं, 3 कॉलेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लिखा हुआ कि सिलेक्शन प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज ऑन पोर्टल बाय लॉगिन क्रेडेंशियल और मैक्सिमम 3 कॉलेज यानी कि आप अधिक से अधिक 3 कॉलेज चूज कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड कॉलेज डिपार्टमेंट ऑन पोर्टल बाय लॉगिन क्रेडेंशियल यानी कि वहाँ पर आपको 24 को अलॉटमेंट कर दिया जाएगा कॉलेज भाई कि भाई किसको कौन सा कॉलेज मिला है, यानी कि इस बार आपका मेरिट निकालने का, देखिए मेरिट वही है, पांचवी काउंसलिंग आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें बदलाव क्या किया गया है कि फिर से आपको कॉलेज चूज करने का मौका दे दिया गया है, यानी कि फिर से आप कॉलेज चूज कर सकते हैं और केवल 3 ही कॉलेज चूज कर सकते हैं, अब ध्यान रखिएगा, और उसी के आधार पर वह कॉलेज आपका मेरिट निकालेगा और उसी मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन होगा। 24 को आपके डिस्प्ले पे यानी कि आ जाएगा लिस्ट कि आपको कॉलेज 3 में से मिला है कि नहीं मिला है, आपका नंबर अच्छा खासा होगा तो मिलेगा। आगे देखिए कि पेमेंट ऑफ पार्ट यानी कि जब आपका एडमिशन के लिए कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपको 3,000 रुपये 25 से 28 तक पेमेंट करना होगा, वहीं पर आपका पेपर वेरिफिकेशन का काम जो होगा वह 25 से लेकर 28 सितंबर तक शुरू होगा। आगे देखते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉडलिटीज टू द टेक एडमिशन इन सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर एडमिशन राउंड, यानी कि जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग है उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है इसको समझिए।
पहला है कि होल प्रोसेस विल बी सेंट्रलाइज थ्रू द ऑफिस ऑफ द SNOI एंड इट विल बी कॉल्ड एट स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग एंड एडमिशन नाम, यानी कि यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगी वह स्पेशलाइज थ्रू कहाँ से, ऑफिस से ही होगा, एलम की ऑफिस से ही बातें कही जा रही है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग कहा गया है। आई की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन स्लिप जनरेशन विल बी हेल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनिवर्सिटी नोडल ऑफिस द कंसर्न यूनिवर्सिटी, यानी कि जो नोडल यूनिवर्सिटी के कंसर्न यूनिवर्सिटी होंगे वहाँ से आपको एडमिशन स्लिप जनरेटेड होगा। कैंडिडेट विल चेक द सीट अवेलेबिलिटी फॉर द रेस्पेक्टिव कॉलेज डिपार्टमेंट, यानी कि कैंडिडेट जो अपना सीट जो है चेक कर सकते हैं जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का चेक करना चाहें। कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाई फॉर CET BEd 2024 एंड रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग, यानी कि कैंडिडेट को क्या होना चाहिए कि जो 2024 का जो BEd इंट्रेंस है वह पास होना चाहिए और साथ ही काउंसलिंग के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होना चाहिए। अगला कि इट इज़ कंपल्सरी टू ऑप्ट फॉर कॉलेज डिपार्टमेंट टू पार्टिसिपेट इन द राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन, यानी कि कंपल्सरी है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे भाग लेना है। आगे कि कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर मैक्सिमम 3 कॉलेज विथ प्रेफरेंस इन ऑनलाइन मोड ऑफ द पोर्टल बाय देयर लॉग इन क्रेडेंशियल, यानी कि आप अपने सुरक्षा अनुसार किस कॉलेज को कहाँ पे रखना चाहते हैं, 1 नंबर पर किसी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, 2 नंबर पर किसे और 3 नंबर पर किसे, तो मैक्सिमम आपको 3 कॉलेज चूज करना है और 3 कॉलेज को आप अपने अकॉर्डिंग भी वहाँ पर सजाएंगे जिसको आप चाहें नंबर 1 पर रख सकते हैं। देयर इज नो कंपल्सन टू सिलेक्ट माइंट्री कॉलेज फॉर द माइंट्री कैंडिडेट, यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है। आप देखे होंगे इससे पहले जो माइंट्री कॉलेज होता है जो खास करके मुस्लिम लोगों के लिए होता है तो वहाँ पे आपके लिए बॉन्ड होता है कि आपको माइंट्री कॉलेज ही सिलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे कोई आपका बॉन्ड नहीं है कि आपको वही कॉलेज सेलेक्ट करना है। आगे है 7वां पॉइंट, देखिए कि दोज कैंडिडेट हु वेयर अलॉटेड कॉलेज डिपार्टमेंट इन ईयरली राउंड ऑफ काउंसलिंग आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी कि कह रहा है कि दोज कैंडिडेट, वैसे कैंडिडेट जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है, ठीक है, कॉलेज अलॉट हो गया था किसी भी राउंड में, उनको यहाँ पे पार्टिसिपेट इस राउंड में नहीं हो सकते, यानी कि दोज कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड कॉलेज या डिपार्टमेंट इन अर्लियर राउंड फॉर काउंसलिंग आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी कि जिनको पहले कभी कॉलेज मिल गया है, जिनको अलॉट हो गया है, वे इसमें शामिल नहीं होंगे। आगे है कि ए अलॉटेड ऑफ द कॉलेज विल बी डन एज पर मेरिट एंड रोस्टर, यानी प्रिफ्रेंस एंड एज पर शेड्यूल, यानी कि जो रजिस्टर होगा उसके शेड्यूल के अनुसार दिखेगा। कैंडिडेट में सी द अलॉटेड ऑफ द कॉलेज डिपार्टमेंट देयर क्रेडेंशियल, यानी कि जहाँ पे भी आपको कॉलेज मिलेगा अलॉट होगा आप जो है देख सकते हैं लॉगिन करके। आगे देखिए कि ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द अलॉटेड इंस्टीट्यूट कैंडिडेट हैव टू पे, यानी कि जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो 3,000 रुपये आप वहाँ से पेमेंट के लिए, मतलब जब पहले का प्रोसेस था 3,000 रुपये पेमेंट करके आप कॉलेज को कन्फर्म करेंगे, वो आपका नॉन रिफंडेबल होगा। आगे देखिए कि कैंडिडेट विल रिपोर्ट एज पर द शेड्यूल एंड द प्लेस ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन, यानी कि उनको बताया जाएगा, समय दिया जाएगा भाई कब से कब अब तक शेड्यूल है। और दूस कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग, यानी देखिए वैसे कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्टर्ड नहीं किया था काउंसलिंग के लिए, देयर नेम विल नॉट फिगर ऑन द डैशबोर्ड, यानी कि जो रजिस्टर्ड नहीं किया है उनका डैशबोर्ड पर शो नहीं होगा एंड दे शैल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट द काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस, इसमें मतलब एडमिशन नहीं ले पाएंगे। आगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द ऑफिस द यूनिवर्सिटी नोडल ऑफिसर ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कॉलेज मिलेगा वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। ऑफिस ऑफ द UNA विल लॉगिन विथ देयर अलॉटेड क्रेडेंशियल, यानी कि यूजर ID और पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकेंगे, वहाँ से यूनिवर्सिटी भी लॉगिन कर सकेगा, यानी कि सभी यूनिवर्सिटी को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। ऑफिस ऑफ द UNA विल बी जनरेटेड टू एडमिशन रिसिप्ट, यानी कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर से आपको एडमिशन स्लिप भी जनरेटेड होगा, ठीक है, एंड एप्लीकेंट्स डिटेल्स एंट्रिंग एप्लीकेशन ID नो ऑन द अप्रोप्रिएट सेंस, यानी कि सर्च आप वहाँ पे कर सकते हैं। और एडमिशन स्लिप विल बी जनरेटेड ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन थ्रू OTP, यानी कि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पे OTP के माध्यम से आपका एडमिशन स्लिप जनरेट होगा। और कैंडिडेट विल विजिट टू अलॉटेड कॉलेज विद द एडमिशन स्लिप इन फुलफिल द रिमेंट प्रोसेस, यानी कि आपको एडमिशन प्रोसेस लेके जो स्लिप होगा आप वहाँ पे कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो इस बार आपका जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसको स्पॉट काउंसलिंग ना बोल के यहाँ पे इस काउंसलिंग को क्या बोला गया है, तो इस काउंसलिंग को आपका कहा गया है स्पेशल सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग कहा गया है और ये कहीं ना कहीं सभी यूनिवर्सिटी के हाथों में जिम्मा को जो है सौंप दिया गया है और उसी की तरह आपकी प्रोसेस जो है यहाँ पे पूरी होने वाली है, यानी कि आपको 3 कॉलेज अधिक से अधिक चूज करने का विकल्प मिलेगा, आपको बता दिया जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है और उसी के आधार पे आप उस कॉलेज का चॉइस कर सकेंगे। यह आपके लिए और भी कठिन है, बहुत ज़्यादा आपके लिए कठिन होने वाला है कि कैसे आपको कॉलेज का चॉइस करना है, 3 ही कॉलेज का चॉइस करना है, कहाँ पे कितनी सीटें खाली है, कहीं 10 है, कहीं 15 है, कहीं 5 है, तो उसमें एडमिशन होने की संभावना कम है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए यह और भी कठिन हो सकता है स्पॉट के
बाद में। तो ये आपका है स्पेशल सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है, इसको बोलेंगे। आपका स्पॉट का नाम बदल के स्पॉट नहीं होगा और ना ही पांचवी काउंसलिंग होगी। आप इसे एक तरीके से पांचवी काउंसलिंग के रूप में देख सकते हैं, बट आपका वह है नहीं, केवल आपको तीन ही कॉलेज यहाँ पर सिलेक्ट करना है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पर कम से कम एलुमनाई को कुछ और कॉलेज का विकल्प बच्चों को देना चाहिए, ताकि कुछ अधिक कॉलेज च्वाइस कर सके, ताकि उसकी एडमिशन की मतलब चांसेस जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो सके। क्योंकि अब हर कॉलेज में एडमिशन जो है फुलफिल होने वाला है, कहीं 5 सीटें, कहीं 10 सीटें, कहीं 15-20 सीटें खाली है। तो ऐसी स्थिति में विकल्प अच्छा होना चाहिए था, ज़्यादा होने चाहिए था बच्चों के पास, ताकि उनकी एडमिशन की प्रोसेस थोड़ी सी आसान होती उनके लिए। तो आगे क्या अपडेट आएगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे, जब वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। तो अभी वेबसाइट पे नहीं है, बट ये आपके वेबसाइट पे जो है अपलोड हो जाएगा कल तक, ठीक है। और कल तक आपका सीट भी बताना शुरू कर देगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ। धन्यवाद।